प्रतिभा सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। चौपारण प्रखंड अवस्थित देहर पंचायत सचिवालय में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस आयोजन का प्रयोजन था पंचायत के 10+2 और मैट्रिक में उत्तीर्ण प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को सम्मानित करने के साथ साथ उन्हें प्रोत्साहित करना। इस सम्मान समारोह की अध्यक्षता स्थानीय देहर पंचायत के मुखिया ब्रह्मदेव भुइया के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित अवकाश प्राप्त शिक्षक देवचरण दांगी एवं विशिष्ट अतिथि भद्रकाली महाविद्यालय ठोरी के इतिहास विभाग के व्याख्याता श्याम सुंदर प्रसाद दांगी, इंदु मंत्री टीम बरवाल, विद्यालय चतरा के शिक्षक जवाहर प्रसाद दांगी एवं भद्रकाली महाविद्यालय ठोरी के हिंदी विभाग के व्याख्याता अखिलेश कुमार पांडे थे। इस सम्मान समारोह में देहर पंचायत के लगभग 70 प्रतिभाशाली छात्र एवं छात्राओं को सम्मान पाने का अवसर मिला। सभी छात्र छात्राओं को मेडल देकर सम्मानित किया गया एवं वक्ताओं के द्वारा उनका उत्साह वर्धन भी किया गया। कार्यक्रम में मंच संचालन मुख्य प्रतिनिधि प्रबुद्ध समाज सेवी नागेंद्र कुमार के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में आशीष सिंह, कोठारी सिंह, नरेश सिंह, राम कुमार पांडे सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद थे। चौपारण से संवाददाता अखिलेश पांडे की रिपोर्ट। कि हम सम्मान के साथ पैदा इस धरती पर आए हैं और हमको मानव जीवन मिला है, इस जीवन को हमको जो है सो सबसे बेहतर करना, सबसे आगे बढ़ करके दिखाना। और अगर ब्रह्मा की सृष्टि में, अगर ब्रह्मा को हम मानते हैं, तो भगवान को मानते हैं, तो इसकी सृष्टि में जितने सारे जीव की चर्चा अगर हम लोग जान से भी देख रहे हैं कि जितने सारे जीव जंतु हैं, उन तमाम जीव जंतुओं में अगर कोई श्रेष्ठ जीव जंतु है, श्रेष्ठ जीव है, तो वो कौन सा जीव है? वो आदमी है ना। वो आदमी के यहाँ हम जन्म लिए हैं और हम जो है तो ये स्वर्ग और नरक की चर्चा जो है सो यहाँ पंडित जी लोग होंगे, बैठे हुए होंगे, तो उसको जो है से ये चर्चा में फिर मैं आपका मत पढ़िए कि हमको जो है सो स्वर्ग, स्वर्ग जो है सो आपको अपने बनाना है। स्वर्ग कहीं नहीं है या नरक नहीं है। अगर आप अपने जीवन को नीचे धकेल दीजिएगा तो नरक में चले जाइएगा, और अपने जीवन को अगर आप ऊपर उठा लीजिएगा तो आप स्वर्ग में चले जाइएगा। इसलिए हमको नरक में जाना है कि स्वर्ग में जाना है? स्वर्ग में। एक एक बच्चे को जीवित रहते ही इसी जीवन में स्वर्ग में जाना है। मेरे छोटे भाई नागेंद्र कुमार जी इस मंच पर आसीन, इस पंचायत के आदरणीय दिया पहन करके मेडल प्राप्त करके आप लोग को कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा हो रहा है। और अभी हमारे छोटे भाई बता रहे थे कि ये जो मेडल आपको दिए हैं, ये मेडल एक ऐसे आदमी से मिला जो आदमी देश का सर्वोच्च पद पर आसीन है, राष्ट्रपति। उस राष्ट्रपति के हाथों से हम सम्मानित हैं। मैं अपने महिमा मंडल में ये बात नहीं बोल रहा, इसे पूरा एकदम मन से लग जाइए। कभी रोना मत रोना कि मेरे पिताजी के पास पैसा नहीं है, मेरा कोई जो है सो आर्थिक मदद करने वाला नहीं है, ये कभी नहीं रोना। तुम एकदम मन ध्यान से पढ़ने के लिए लग जाओ और सबसे पहले तुमको तैयार होना, तुम्हारे पीछे जो है से तुम्हारे अभिभावक तैयार रहे, और उसके बाद समाज का एक एक आदमी, तुम्हारे हम लोग जैसा आदमी भी तैयार रहेंगे। इसमें से कोई भी बच्चा को कोई अभाव होगा तो हम नागेंद्र जी को यहाँ कह के जा रहे हैं, आप उन लोग से डायरेक्ट ये नंबर हम लोग दे के भी जा रहे हैं। कोई भी होगा, अभी हमारा प्रशांत जो है सो 18 ऐसे बच्चों को गोद में रखा है जिनके माता पिता मर गए, उनकी पढ़ाई की सारी व्यवस्था, उनके खर्च का सारा ये सब जो है सो प्रशांत कर रहा है। उसको जो है सो सब बच्चे पढ़ रहे हैं, 10-12 बच्चे। अभी त्रिपोरी के बीपी सिंह हैं, वो आप लोग जानते हैं। समाज में बहुत सारा जो है सो ये है कि और अभी आपका उम्र जो है सो है कि आप इधर से उधर भटक जा सकते हैं, तो आपको भटकाव नहीं चाहिए। आपको जो लक्ष्य आपको तय करना है, जो सोच रहे हैं आप कि हमको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है,
हमको आईएएस आईपीएस बनना है या जो है सो नेता बनना है, जिस ओर आपको जो है लगन है, जिस ओर रुचि है, उस ओर आप प्रयास करना जारी रखें। अभी तो आप जो है सो आप अभी देखिए हमारा जो है सुप्रेम यहाँ बैठा हुआ है, अभी इसी गांव का है, और आप लोग के जैसा पढ़ा यही पर किया, वो बहुत तैयारी में जुटा हुआ और वो बहुत ये नहीं कहा आपको जो है मिशन जो है सो तय करना, हमको क्या करना और आपको जो है सो एक से एक बड़ा बनना है। ठीक है, सहमत है सब लोग? देखिए ये भौतिकवादी युग है और ये तन जो हमारा है ना, इसको सजाने के लिए जो है पूरा संसाधन उपलब्ध है, इस समाज में पूरा संसाधन उपलब्ध है, सब कुछ उपलब्ध है, लेकिन अगर हमको अंदर से सजना है, मन को सजाना है, तो हम कैसे सजेंगे, कौन सजाएगा? हम ये विद्या सजाएगी, ये विचार सजाएगा, ये बुद्धि सजाएगा। हम काबिल कैसे गिने जाएंगे जब हम जो है सो काफ़ी विचारवान हो जाएंगे, काफ़ी डिग्री होल्डर हो जाएंगे, काफ़ी जानकार हो जाएंगे, तब जो है सो हमारा कुछ समाज में हो जाएगा। आज समाज के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसका हम कैलेंडर लगा करके रखते हैं, क्यों? उनके विचार अच्छे थे, उनका इस सम्मान समारोह में मुझे भी आमंत्रण मिला और अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझ रहा हूँ कि आपके बीच दो सब हमारे दहर विद्यालय में कि 2016 से 7 साल हो गया है विद्यालय को कोई भी शिक्षक हाई स्कूल के लिए नहीं दिया गया। हम लोग जो वहाँ पर हैं, हमारे सहायक अध्यापक हैं और जो एक दो बाद से भी शिक्षक हैं, लगभग प्राइमरी में ही सबकी बहाली है, लेकिन जो भी हम लोग से हो पा रहा है, हम लोग प्रयास करते हैं कि बच्चों को कोई भी सिलेबस का छूटे नहीं और जहाँ तक प्रयास रहता है कि उनकी जो भी जरूरत हो उठाएँ, वह भी धन्यवाद के पात्र हैं कि अपने बच्चों को कहीं ट्यूशन के लिए कभी कभी अपने से भी मेहनत कर रहे हैं। वैसे अभिभावक लोगों को भी विद्यालय की तरफ से बहुत बहुत बधाई और आज जो है, आज सबों का परिणाम है, सबों के मेहनत का परिणाम है कि खास करके दहर विद्यालय से जो रिजल्ट आया है बहुत ही सराहनीय है और जो बच्चों ने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है वह बहुत ही धन्यवाद के पात्र है। मैं आशा करता हूँ कि वो जहाँ भी अपने जीवन के जिस क्षेत्र में जाएँ, इस विद्यालय के साथ साथ इस गांव का, इस विद्यालय के आगे भविष्य में जो भी आया उसके प्रति उनका लगाव रहेगा, वो सारे चीज़ के लिए मैं आशा करता हूं कि बाबा का नाम और साथ ही साथ अपने शिष्यों का नाम रोशन करें। धन्यवाद। नहीं है वहाँ मात्र 8 कमरों में ऑफिस चलता है, कंप्यूटर रूम चलता है, डिजिटल क्लास चलता है और 10 क्लास चलता है, कमरा है 8। तो अभी हम लोग डीसी को लिख के दिए हैं, अभी गर्मी छुट्टी के दरमियान ही ये काम मिल गया है विभाग को, तो 4 कमरों के साथ 4 जो बेकार पड़े कमरे हैं उनकी मरम्मति और चारों तरफ से छरदीवाली और फर्श का निर्माण करीब 60 लाख रुपये का की स्वीकृति मिल चुकी है, बहुत जल्द वो काम प्रारंभ होगा। तो अपग्रेड हाई स्कूल जो मेरा दैहर है उसमें कमरों की समस्या का समाधान हो जाएगा बहुत जल्द, इसके लिए सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, सिर्फ अब टेंडर होना है, काम होना है, पकड़ करके समापी करवाए थे उसका टेंडर होने जा रहा है। बाकी रही बात शिक्षकों की कमी का, वो पूरे स्टेट लेवल का समस्या है, फिर भी हम लोगों ने डीसी मैडम से बोला है और फिर भी जो संसाधन है उसमें जो आप कर रहे हैं इसके लिए आपके पूरे टीम को बहुत बहुत बधाई। अभी अभी आप लोगों को मेडल देकर विद्यार्थियों से मैं बात कर रहा हूँ, मेडल देकर के सम्मानित किया गया, क्यों?
क्योंकि आप एक यंग जीत करके आए हैं, मैट्रिक और इंटर की परीक्षा बेहतरीन तरीके से पास कर करके आप आए हैं और आगे मेडल दो काम कर रहा है, एक तो आपने परीक्षा पास की इसके चलते आपको मेडल दिया गया और अगली परीक्षाएं में इससे बेहतर करना है इसके लिए भी ये मेडल। सबसे पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आप अपने आप को सोचें, अपने आप के बारे में समझें। जब आपने आपको के बारे में समझेंगे तो पाएंगे कि आप अपना भविष्य हैं, अपने परिवार का भविष्य हैं, अपने समाज का भविष्य हैं और अपने देश का भविष्य। इतनी जिम्मेवारी, इतना भविष्य आपके ऊपर निर्भर करता है। इस भविष्य की, अपना भविष्य, परिवार का भविष्य, समाज का भविष्य और देश का भविष्य, इन भविष्यों का निर्माण आप लोगों को करनी है बेहतरीन। अब 5 साल की जो जिंदगी है, आज के बाद की जो जिंदगी है, तो मोदी में पूरे जिंदगी डिपेंड करता है। ये 5 साल की जो अवधि है, इस अवधि में आप जितना कष्ट झेल करके जितना बेहतरीन एक्टिविटी लीजिएगा, पूरा जिंदगी आरामदायक होगा, पूरा जिंदगी सुखमय होगा। इस 5 साल की जिंदगी को अगर आप सुख में व्यतीत करना चाहिएगा, आज की जो जिंदगी आएगी वह पूरे लाइफ कष्ट में होगा। अब आपको एक दिशा ये करना है कि 5 साल के मेहनत में पूरा अपना भविष्य निर्माण करना है, अपने परिवार का एक, कि अपने आप को भाग्यवादी मत बनाओ। जनरली क्या होगा, भाग्य में कुछ लिखा हुआ होगा तो मिल जाएगा, भाग्य में कुछ भाग आपके कर्म पर निर्भर करता है। आप जैसा करेंगे एक्सीडेंट वैसा ही होगा। इंग्लिश में कहावत है ना, थिंक डिसाइड एंड स्टार्ट डिटरमिनेशन सक्सेस विल टच योर ड्रीम। किसी भी चीज के बारे में सोचिए, विचारिए और निर्णयात्मक शक्ति के साथ उसमें लग जाइए, सफलता आपकी पैदा होगी। आपकी गड़बड़ होगी, आपके आपके साथ बहुत सारे विद्यार्थी होंगे जो आप लोगों का रिकॉर्ड किया गया या मेडल दिया गया वह 60% प्लस वाले बीट कर रहे हैं। बहुत सारे विद्यार्थी होंगे जो 60% से नीचे उनका मार्क्स आया होगा, उनकी सोच यहीं रहे, क्योंकि सफलता भाग्य पर भी रोज। अभी तो आप लोगों को लगता है छड़ी की मार नहीं पड़ी होगी, नहीं सर, उस समय छड़ी की मार पड़ती थी। जब पाठ पास करके हम लोग भी बोली थे, पाठ आ करके जो विद्यार्थी नहीं जाता था उसको छड़ी की मार करती थी, पानी रोज छड़ी की मार खाता था पर उसको आग नहीं होता था। छड़ी की एक दिन छड़ी की मार करते करते गुरु जी की आँख उनकी हाथ पर चली गई और तब उनको अफसोस हुआ और पानी से कहा, क्या कहा, पानी आज तक मेरे तुम्हारे साथ अत्याचार किया, अत्याचार क्यों, मार रहे थे, तुम्हारे भाग में विद्या रेखा है ही नहीं, और जब विद्या रेखा वर्मा ने नहीं दिया तो पढ़ोगे कहाँ से। ये बात पाणिनि को हिट कर रिएक्शन कर गया। अब तब उसमें जो भी उसके पास रहा होगा, बलर ब्लेड चाकू तलवार जो भी रहा होगा, गुरु जी से पूछा विद्या रेखा होता कहाँ है, तो गुरु जी बताए तो ज्योतिष रहे होंगे, उसमें ब्लेड वगैरह जो भी चाकू होगा उससे चीर दिया और उन्होंने कमिटमेंट किया कि वर्मा भले ही नहीं मुझे विद्या रेखा नहीं बनाया लेकिन मैं विद्या रेखा बना दिया हुआ, मैं विद्या लेकर के रहूँगा। और उस डिटर्मिनेशन के साथ, उस संकल्प शक्ति के साथ उन्होंने पढ़ना शुरू किया और अपने क्रिएट संस्कृत व्याकरण का रचयिता बन गया। और भारत की जितनी भाषाएं हैं ना, सब संस्कृत भाषा से निकली हुई है, और कोई भी भाषा बिना संस्कृत बिना व्याकरण के नहीं चलता। इतना बड़ा विद्वान बना, तो डिसीजन आपके ऊपर निर्भर करता है। हम लोग उसी लापरवाही क्या करते हैं, समय का दुरुपयोग करते हैं। समय, ये 5 साल की जिंदगी है ना, 5 साल का जो अभी से 5 साल का जो लाइफ है और मार्केबल लाइफ, इसी पर पूरा जिंदगी निर्भर कर रहा है, पूरा भविष्य निर्भर कर रहा है।